आज हम देखेंगे कि हमारे गांव में खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। इसके साथ ही हम दो प्रकार की चटनी बनाना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर ये प्याज और लहसुन की चटनी है और इसके साथ ही हम चना दाल की चटनी भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लेंगे, फिर उसमें चना दाल डालेंगे और उसे अच्छे से ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो आपको जिस हिसाब से चना दाल की चटनी चाहिए उस हिसाब से आप चना दाल का यूज करें। ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो गई है। तो अब हम इस एक कटोरी में पानी लेंगे और रोस्ट किए हुए चना दाल को इसमें डाल देंगे और इसे 15 मिनट के लिए सोख होने देंगे। तो जब तक चना दाल सोख हो रहा है तब तक चलिए हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल और दाल को निकाल लिया है। तो मैंने सारे दाल और चावल की क्वांटिटी 100 ग्राम रखी है। आप चाहें तो हाफ चावल और हाफ दाल का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जितने दाल हैं आप उतने दाल का यूज करें। दाल जितने प्रकार का होगा खिचड़ी उतनी अधिक टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल और लाहर की दाल। तो मेरे पास 4 प्रकार के दाल अवेलेबल थे तो मैंने 4 प्रकार का लिया है। आपके पास जितने हैं आप उतने ले सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें चावल को भी डाल दिया है और इसे 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। इधर मैंने गैस पर पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये देखिए पानी बॉईल हो गया है। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी का यूज किया है, क्योंकि मैंने सबकी क्वांटिटी 100 ग्राम रखी थी तो टोटल वो 500 ग्राम हुई थी। तो उस हिसाब से मैंने 1 लीटर पानी डाला है। अगर आप किसी कटोरे या बर्तन से नापते हैं तो जितना सामग्री है उसका 2 गुना पानी डालें। और साथ में डाल देते हैं नमक, हल्दी, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर ले लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और जब 1 सीटी लगने वाली रहेगी तब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए बॉयल पानी का यूज इसलिए किया ताकि चावल और दाल थोड़े खड़े खड़े रहें। मुझे उसी तरह की खिचड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको सॉफ्ट खिचड़ी चाहिए तो आप इसे गुनगुने पानी में भी डाल सकती हैं। सीटी लगने वाली है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और जब तक इसका हवा खुद से नहीं निकल जाता है तब तक इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम लहसुन और प्याज का चटनी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और उसमें 10 से 12 लहसुन की कली और 1 बड़ा प्याज रफली चॉप करके डाल दिया है। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, हमें बस इसे इतना ही पकाना है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और फिर हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये जब तक ठंडी हो रही है तब तक चलिए हम खिचड़ी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका हवा निकल गया है। तो अब हम ढक्कन को खोल कर देख लेते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। और जैसा मुझे चावल और दाल थोड़े खड़े खड़े पसंद हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। तो अब हम इसमें छौंका लगा लेते हैं। तो छौंका लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना देसी घी का यूज किया है। आप चाहें तो तेल से भी लगा सकते हैं। और अब हम इसमें 1 सूखी मिर्च, थोड़ी सी हींग और घी ज़्यादा गर्म हो गई है तो मैंने गैस को बंद करके जीरा को डाल दिया है। और ये देखिए, जीरा तड़कने लगा है। तो हम इसको फटाफट से खिचड़ी के ऊपर डालेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। 10 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि घी का स्वाद और सुगंध खिचड़ी में अच्छे से समा जाए। तब तक ये देखिए, इधर हमारा प्याज और लहसुन जो हमने भून के रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम इसकी चटनी बना लेते हैं। तो इसको हम मिक्सर में डालते हैं और कढ़ाई में जो थोड़े मसाले हैं उसे हम थोड़ा सा पानी डालकर धो के उसमें डाल देते हैं। फिर मिक्सर में हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इस चटनी में भी छौंका लगाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, उसमें 1 मिर्च और थोड़े से राई के दाने डाले हैं। राई तड़कने लगा है तब हम इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी डिलीशियस चटनी बनकर तैयार हुई है।
इसका लुक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे आप चटनी के साथ साथ पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। लहसुन प्याज की चटनी तैयार हो गई है, तो चलिए अब हम चने दाल की चटनी बना लेते हैं। तो ये देखिए चना दाल अच्छे से सोख हो गया है, तो अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इसे भी एक मिक्सर में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कली, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच सरसों का कच्चा तेल डालेंगे। इसमें 2 चम्मच जैसा पानी डालेंगे और फिर इसको भी मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए हमारे चने दाल की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम कुकर के ढक्कन को हटा लेते हैं और एक कलछी से घी और खिचड़ी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए खिचड़ी के साथ साथ सभी चटनी और पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे खाने के लिए निकाल लेते हैं। तो ये चना दाल की चटनी, लहसुन प्याज की चटनी, आलू का चोखा, अचार और साथ में पापड़। आप चाहें तो टमाटर और बैंगन का भी चोखा बना सकते हैं, पर टमाटर अभी बहुत महंगे हैं इसलिए मैंने नहीं बनाया है। खिचड़ी खाने का टेस्ट तो चोखा और चटनी के साथ ही आता है, तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से खिचड़ी को बनाकर ज़रूर खाएं, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।